हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? होपफुली डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम समी है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो गाइस, कुछ टाइम से मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं इस टॉपिक पे कि आप कौन से वेबसाइट से या कहाँ से टेक्स्चर डाउनलोड करते हो, टेक्स्चर कैसे बनाते हो। बेसिकली मैंने टेक्स्चर किस तरह से क्रिएट करना है उसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की क्वेरीज है कि टेक्स्चर डाउनलोड कहाँ से करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टेक्स्चर डाउनलोड कहाँ से करते हैं। बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो आप गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन गूगल में स्पेसिफाई टेक्स्चर नहीं अवेलेबल रहते हैं और कुछ लोगों को गूगल में भी टेक्स्चर नहीं मिलता है। तो उसके हिसाब से आपको एक और अल्टरनेटिव वेबसाइट में जाना है। वो वेबसाइट कौन सा है इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है texture.com। जैसे texture.com आप कर देंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन जो रहेगा टेक्सचर फॉर 3D ग्राफिक डिजाइन एंड फोटोशॉप, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 3D में भी आपको अगर मॉडल चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 3D मटेरियल्स, अगर वीरे मटेरियल्स चाहिए हो तो भी यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मोल्डिंग्स वगैरह अवेलेबल है। ये सारे 3DS Max के मटेरियल्स हैं, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फोटोशॉप में डाउनलोड करना चाहते हो, फोटोशॉप के लिए यूज़ करना चाहते हो टेक्स्चर, तो यहाँ पर सिंपली आप टाइप भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वुडन टेक्स्चर के लिए टाइप कर दूंगा तो वुडन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रियलिस्टिक टेक्स्चर आपको अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड करते हो तो 1600 पिक्सल्स तक आपको फ्री में डाउनलोड मिल जाएगा। कोई भी इमेज का 1600 से 1200 इमेज जो है आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको प्रीमियम लेने के लिए, क्योंकि 1600 पिक्सल्स आपके लिए मोर देन इनफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वुडन वुडन टेक्सचर रूफ के सारे बहुत सारे अलग अलग टाइप में और अलग अलग रेशियो में अवेलेबल रहेंगे। 16:9 रेशियो के भी है, 1:1 भी है, 4:3 है, और भी बहुत सारे टेक्सचर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। इस तरह से इस तरफ भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और रियलिस्टिक जो भी इमेजेस रहते हैं, जैसे इंटरलॉक्स रहते हैं, इंटरलॉक्स उसके साथ वॉल टाइल्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो मैं यहीं से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं ब्रिक पे क्लिक करूँगा ब्रिक में ब्लॉक्स वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, तो ब्लॉक्स यहाँ पर देख सकते हो रियलिस्टिक मिल जाएगा आपको। और ये अगर किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो तो आपका जो इमेज है वो काफ़ी, आपका जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। जो रिसेंटली मैंने मॉडल बनाया था डोमो फ्रॉक का, उसका पूरा टेक्स्चर जो मैंने यहाँ पे यहीं से डाउनलोड किया था। यहाँ पे फ्लोट का टेक्सचर है, इसको भी मैंने यहीं से डाउनलोड किया था। और जो डोम का ऊपर का जो फ्लोर है उसको भी मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, और जो मार्बल टेक्सचर है उसको भी मैंने यहीं से डाउनलोड किया था। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे बेयर है, ब्राउन, क्लीन, डर्टी, पेंटेड और स्लोपी, ये सारी चीज़ें ना ये डिवाइडेड है। इसमें अगर मैं फिर क्लिक करूँगा यहाँ पर 177 ऑप्शंस मिल जाएंगे, 177 आइटम्स है, यहाँ पे 62 आइटम्स है। अगर मैं ब्राउन में क्लिक करता हूँ तो ब्राउन के जितने भी डिटेल्स में आ जाएंगे, जितने भी टेक्सचर है वो सारे आ जाएंगे, देखो। ठीक है, तो ये आप किसी भी टेक्सचर किसी भी मॉडल के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो रियलिस्टिक कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, अगर आप इसको अगर डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर इसका रेशियो भी बता रहा है। अगर आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर फ्री में अवेलेबल रहेगा 1024x400 पिक्सल्स का यहाँ पे अवेलेबल है, और इस तरफ 1600x700 पिक्सल्स का अवेलेबल रहेगा। अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा क्लियर और हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है। आप इसी को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। मैं ज़्यादातर इसी से अपने पूरे टेक्सचर डाउनलोड करता हूँ। उसके साथ अगर मैं यहाँ पे फेस स्टोन, फैकेड स्टोन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। उसके साथ ब्लॉक्स आ जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप बिल्डिंग टेक्सचर डाउनलोड करना चाहते हो तो बिल्डिंग टेक्सचर भी मिल जाएंगे, 18th सेंचुरी यूरोपियन डिज़ाइन मिल जाएंगे,
यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली प्रिंट करके बॉक्स पे चिपका के आप रियलिस्टिक इमेज बना सकते हो। ये बहुत सारे सिंपल चीज़ें हैं, बांस मिल जाएंगे उसके साथ, केमिकल प्लांट्स मिल जाएंगे उसके साथ, हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग में भी ऑप्शन है, एशियन टावर ब्लॉक्स है उसके साथ, ग्लास है। अगर मैं एशियन टावर ब्लॉक्स में करता हूँ, एशियन टावर ब्लॉक्स में इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये सारी इमेजेस जो है आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और अपने लिए इजी तरीके से आप अपने मॉडल मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर गूगल में सर्च करते हो कोई भी इमेज, अगर मैं गूगल में सर्च करूँ ब्लॉक्स टेक्सचर, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर आपको ना स्टॉक इमेजेस बहुत सारे मिलते हैं, और स्टॉक इमेजेस अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे कुछ लाइंस और वाटरमार्क रहेंगे, और ज़्यादातर जो भी मुझे टेक्सचर ज़रूरत पड़ती है पे ज़्यादातर वाटरमार्क रहता है। और इस तरह आप देख सकते हो प्रोडक्ट, जहाँ पे प्रोडक्ट का टैग रहता है ना उस पे खास करके स्टॉक मार्क रहता है, तो ये मैं बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ। स्टॉक इमेजेस जो रहते हैं मैं अवॉइड करता हूँ, मैं texture.com से ही अपने सारे टेक्सचर डाउनलोड करता हूँ। होपफुली आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक कर दो, या फिर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।